सोलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? आप सभी लोग का स्वागत है कौन ही वीडियो के अंदर। और गाइस यार, आज हम खेलने जा रहे हैं मार्वल फ्यूचर फाइट कॉन्टेस्ट। तो गाइस, इस गेम के अंदर गाइस हम लोग अपने फेवरेट सुपर हीरोज की आपस में फाइट कर सकते हैं, लाइक आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका वर्सेस थोर। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला इस गेम के अंदर। बिना किसी तरीके चलते हैं गेम के अंदर, देखते हैं भाई आज का सीन क्या होता है। लेट्स गो। तो गाइस, आज की फाइट पहले वाली अपनी हो रही है स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क। अभी हम लोग भाई स्पाइडरमैन के लेटर में, और जो हल्क है वो अपना अपोनेंट है। तो ऑफ कोर्स यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे जीतेगा, भले ही भाई हल्क जितना भी पावरफुल हो। अभी भाई हम लोग भाई फुल फोर्स से लड़ाई लड़ते हैं इससे, और भाई अपनी जो अली रेस है भाई, इससे जीतते हैं हम लोग भाई हल्क वैसे स्पाइडरमैन। आप लोग देख ही सकते हो स्पाइडरमैन की पावर भाई 100% अभी तक, और भाई हल्क की हो चुकी है 32%। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, जो भी कह लो भाई, हल्क चाहे जितना मार ले, लेकिन भाई हल्क ही हारने वाला है। उसकी भाई पावर इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि भाई वो तो उस समय भाई हम लोग से जीत ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो बस हम लोग भाई एक अटैक और हल्क का जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई हल्क जितना मारना है मार ले, बस हम लोग का एक पंच और भाई हल्क का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, हम लोग भाई बात कर लेते हैं कि भाई अपने जो आयरन मैन और स्पाइडरमैन की फाइट है वो कब होने वाली है। तो गाइस, ये जो फाइट हो रही है गाइस, इसके बाद स्पाइडरमैन वर्सेस आयरन मैन की फाइट होने वाली है। बाकी आप लोग भाई फाइट होने से पहले फटाफट से कमेंट में जाओ और बताओ आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन कौन जीतने वाला है इस फाइट में। बाकी अभी तो यार हम लोग मैग्नेटो से फाइट कर लेते हैं, और इसको भाई हम लोग को हराना पड़ेगा, तभी यार हम लोग की जो फाइट है वो आयरन मैन से हो पाने वाली है। तो फिलहाल गाइस यार, अभी हमें इसे भाई ख़त्म करने में टाइम नहीं लगना है, बिकॉज अब गाइस अपनी एचपी बहुत ही ज़्यादा थी इसके मुकाबले। और अभी ये वाला जो मैच हम लोग जीत चुके हैं, और अब समय आ चुका है कि हम लोग आयरन मैन से फाइट करें। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने भाई जो क्रिस्टल कलेक्ट किया है भाई, उससे हम लोग भाई उसकी जगह पर लगा देते हैं। ये गाइस माइंड स्टोन है, जिसको यार हम लोग को पहले इसकी जो जगह पर है ना भाई, इसे प्लेस करना है, तभी यार हम लोग के पास अपना हल्क का भाई एबिलिटी आ जाएगी, और हम लोग भाई हल्क और स्पाइडरमैन के साथ लड़ सकते हैं। मतलब कि हम लोग भाई दो दूर करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ को, और हल्क को भाई चूज करके निकलते हैं आयरन मैन से फाइट करने के लिए। तो फिलहाल गाइस यार, आयरन मैन को मनाने के बाद आयरन मैन तैयार हो चुका लड़ने के लिए, और भाई समझ नहीं आ रहा कि भाई हल्क को लेके जाया जाए या फिर स्पाइडरमैन को। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, जैसे कि हम लोग बात हुई थी कि भाई हम लोग स्पाइडरमैन की फाइट करने वाले आयरन मैन से, तो गाइस आज के लिए तो भाई हम लोग स्पाइडरमैन वर्सेस आयरन मैन ही करने वाले हैं। और गाइस अभी अपनी जो फाइट है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और गाइस अभी जो स्पाइडरमैन भाई इसकी एच पी भाई 81 नहीं भाई 76 कर दिया आयरन मैन ने, और भाई आयरन मैन की एच पी भाई 77 हो चुकी है। और भाई आयरन मैन भाई बहुत तगड़ा मारा भाई, मेरा मन तो भाई आयरन मैन ही जीते। लेकिन गाइस यार, अभी भाई हम लोग स्पाइडरमैन कैरेक्टर में तो भाई ऑफकोर्स यार हम लोग जीतने वाले हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी भाई वक्त पलट सकता है भाई, आयरन मैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, अपनी जो अटैक कर रहे हैं भाई उसका कोई असर नहीं पड़ रहा आयरन मैन में, वो भाई ऐसा डिफेंस ही कर रहा है। लेकिन अभी भाई एच पी हम लोग की बहुत ज़्यादा कम है ये मुकाबले भाई आयरन मैन के। फिलहाल अभी भाई मैच जो है बराबर चल रहा है, और भाई कोई भी जीत सकता है आपस में, और आयरन मैन भाई हार चुका है हम लोगों से भाई, विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन जो भी है भाई सच तो है। बाकी आप लोग बताओ किसको जीतना चाहिए था इस फाइट में। फिलहाल अभी चलते हैं भाई आगे तरफ, और देखते हैं अपनी जो अगली फाइट है वो किसके सामने निकल के आ रही है। तो गाइस अगली फाइट होने वाली है स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस में, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भाई ऑक्टोपस भाई जानते हो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक विलेन है। स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट करवाने से पहले हम लोग देख लेते हैं भाई हल्क वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट में आखिरकार कौन जीतेगा। तो हम लोगों ने भाई अपनी फाइट जो भाई स्टार्ट कर दी है। फिलहाल गाइस यार ऐसे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, हमको लगता है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीतने वाला है, क्योंकि भाई उसके पास जो एबिलिटी है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली है। फिलहाल आप देख सकते हो भाई यहाँ पे भाई अभी तो भाई हल्क जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एचपी भाई बता रही है भाई कौन जीत रहा है, लेकिन नहीं भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई अटैक जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन हल्क का भी कुछ कम नहीं है। और भाई हल्क भाई यहाँ पर आसानी से जीत जाएगा भाई, उसका एक पंच जाता और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की भाई आधी से ज़्यादा एचपी चली जाती है। तो इस वाले मैच में भाई अपना जो हल्क है भाई वो विन करने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल अब समय आ चुका है कि भाई हम लोग स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस की आपस में फाइट करवाएं, और देखें कि इन दोनों की फाइट में आखिरकार कौन जीतने वाला है। तो अभी हम लोगों ने भाई स्पाइडरमैन को भी बुला लिया, डॉक्टर ऑक्टोपस भी आ चुके हैं। तो चलते हैं सीधा फाइट के मैदान में, और देखते हैं इन दोनों की फाइट में कौन जीतता है आखिरकार।
बाकी यार ऐसा मूवी भाई स्पाइडरमैन ही जीता था, तो ऑफकोर्स यार यहाँ भी स्पाइडरमैन नहीं जीते। लेकिन एक सेकंड भाई, स्पाइडरमैन की जो एचपी है भाई 16% है, और भाई डॉक्टर ऑक्टोपस भाई 100% की एचपी लेके आए हुआ, और भाई यहाँ पे हम लोगों का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन की एचपी आप लोग देखो भाई 12% कर दिए भाई, डॉक्टर 8% हो चुकी है शर्ट भाई, और भाई उसकी भाई फुल्ली चल रही है एक तरीके से देख सकते हो आप लोग। और भाई अभी अपना जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर हम लोग जीत गए तो भाई आप लोगों को भाई चैनल को भाई फटाफट से भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा कि हम लोग जीत पाते हैं या फिर नहीं। बाकी डॉक्टर ऑक्टोपस की भी एचपी भाई स्पाइडरमैन भाई काफ़ी ज़्यादा कम ले आया है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। आखिरी सीन 3% एचपी बची हुई, और भाई डॉक्टर ऑक्टोपस की 17% है। फिलहाल अभी हम लोग भाई दिमाग से काम लेना होगा, और डॉक्टर ऑक्टोपस का उन्होंने भाई फाइनली यहाँ पे हरा दिया है। बाकी अभी हम लोग भाई अलग जो मैच है भाई जीत चुके हैं, आई होप भाई आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मजा आई होगी इस वाले मैच में। बाकी भाई इस वाले मैच से भाई हम लोग को जो कैप्टन अमेरिका है भाई वो मिल चुके हैं, जिससे कि हम लोग कैप्टन अमेरिका के भाई अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई हम लोग आज की इस वाली वीडियो के लिए फाइट के लिए इतने काफ़ी रखते हैं। बाकी आप लोग बता सकते हो कमेंट में जाके कि अगली जो फाइट है भाई वो किस किस सुपर हीरो के बीच में करवाई जाए या फिर खिलाई जाए। बाकी मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। जैसे आप लोगों ने देखा कि भाई आयरन मैन और स्पाइडरमैन की फाइट में अपना भाई आयरन मैन हार गया, तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आई होगी। आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग जो नीचे कमेंट ऑप्शन आ रहा है वहाँ जाके बताओ कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भाई कौन से सुपर हीरोज की फाइट करवाएं।